खबर बाराबंकी जनपद से, जहां ग्राम घुघटेर बाराबंकी के रहने वाले संजू रावत अपनी ग्राम सभा में इसलिए चर्चा में आए क्योंकि सामान्य जाति से लेकर जनजाति तक, सुख से लेकर दुख तक लोगों के साथ दिन रात खड़ी रहती है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि ग्राम घुघटेर के ग्रामवासी एवं महिलाएं कह रही हैं, क्योंकि संजू रावत लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आवाज उठाती रही तथा जिन महिलाओं के साथ अन्याय होता है उनके लिए आवाज बनकर खड़ी रहती है। आपको बता दें, इसके साथ जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उन लोगों की पूरी लिस्ट संजू रावत ने तैयार कर शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। इस चुनावी माहौल में ग्राम सभा के ग्रामवासियों ने मिलकर संजू रावत को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह है संजू रावत पत्नी महेंद्र प्रताप रावत जनता के आशीर्वाद के पात्र बनती है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। हम मौजूद है हाजीपुर निंदूरा जिला बाराबंकी में। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं हाजीपुर के, जो कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रही श्रीमती संजू रावत जी का किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया को लेकर किस तरीके से साथ दे रहे हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बीच कुछ सज्जन मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं अपने चैनल के माध्यम से। सर, अपना पूरा नाम और परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम गिरीश चंद्र रावत है। गिरीश चंद्र रावत जी, ये बताइए श्रीमती संजू रावत जी चुनाव लड़ने जा रही हैं और जब हम आए हैं क्षेत्र में आए हैं, काफी गांव वालों से हमको सुनने को मिला कि आप सभी गांव वाले और क्षेत्रवासी मिलकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से इनके नामांकन के लिए आप लोग अपील कर रहे हैं कि हाँ, आप हमारे सुख दुख के साथी हैं। हमको ये भी सुनने को मिला हमारे चैनल के माध्यम से, हम लोगों ने बहुत जगह कवरेज किया कि आपके सुख दुख के साथी महेंद्र प्रताप जी जो है वो काफी कर्मठ और जुझारू है और समाज सेवी के रूप में आपकी हमेशा मदद करते चले आए हैं, ऐसा हमको सुनने को मिला। तो आप ये बताइए किस तरीके से आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं और नामांकन के लिए आप प्रक्रिया कर रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं। सर, हम लोग तो जो सपोर्ट इनका कर रहे हैं, एक तो ये क्षेत्रीय हैं जी, और दूसरे समाज सेवी हैं जी, दो चीजें तो यही हैं। इसके अलावा हमको ये उम्मीद है कि आगे जो है निरंतर ये प्रगति का कार्य करेंगे। जिस तरीके से हमको ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये पूरी एक लिस्ट भी तैयार की है, जैसे जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं, हमने देखा कि बहुत लोगों के पास पक्के मकान नहीं है और मान लीजिए जिन लोगों के पास शौचालय नहीं है, तो उन लोगों की कुछ लोगों की लिस्ट भी तैयार कर रही है श्रीमती संजू रावत जी। तो किस तरीके से ये जैसे लिस्ट तैयार कर रही है, तो किस आधार पर और किस तरीके से ये लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है? अब ये सर, जब ये अपने जब हो जाएंगी तब तो इनको करना ही करना है, क्योंकि इनको जो है विकास से ज्यादा जो है चाह है, लगाव है, यहाँ के लोगों से भी ज्यादा लगाव है। आप देख रहे थे किस तरीके से गांव वाले और क्षेत्रवासी लगातार इनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं बुजुर्गों से। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए और नाम बताइए। हमारा भैया शिवराम यादव। शिवराम यादव चाचा, ये बताइए आप श्रीमती संजू यादव का किस तरीके, श्रीमती संजू रावत जी का किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से नामांकन की जो संजू रावत जी प्रक्रिया कर रही हैं, आप सभी लोग गांव वाले उनका मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, साथ मतलब दे रहे हैं, किस तरीके से आपकी ये सुख दुख की साथी हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बताने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों को। हम ये वजह कह रहे हैं भैया, जितने लड़ रहे हैं जी अनपढ़ आदमी सब समझो, यह एक प्रत्याशी मतलब का है, मतलब पढ़ी लिखी है, बहुत आपके सुख दुख की साथी हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सुख दुख की साथी हैं। ये बताइए, ये महिला होकर और काफी महिलाओं का इनके साथ जनसैलाब चलता है, काफी महिलाएं भी इनसे जुड़ी हुई हैं, जो कि क्या कहते हैं लगातार समाज सेवा के रूप में कार्य करती रही है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बराबर घर घर जाकर यहाँ महिलाओं से संपर्क करती हैं, डायरेक्ट मिलती हैं, गुहार्स होती है। अच्छा अच्छा, आपके सुख दुख की साथी भी हैं? बिल्कुल साथी है। अच्छा, तो आप इस बार जिला प्रतिनिधि इनको बना दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल बना दिया। तो आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा। फिर से अपना एक बार नाम बताइए। शिवराम यादव। शिवराम यादव, ठीक। हमारे बीच एक सज्जन और मौजूद है, सर अपना पूरा नाम बताइए। भैया हमारा नाम शिवभरण यादव। शिवभरण यादव जी, ये बताइए श्रीमती संजू रावत जी जो कि पत्नी है श्रीमती महेंद्र प्रताप रावत जी की, ठीक है, तो ये बताइए आप किस तरीके से इनका साथ दे रहे हैं, किस तरीके से इनका सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा सपोर्ट हम पूरा कर रहे हैं हर शरीर से, और इलेक्शन भी निकलेगा इनका जी। तो जैसे कि हमको कुछ क्षेत्र में हम लोगों ने जब जनसंपर्क किया तो हमें ये भी पता लगा कि ये
एक लिस्ट भी तैयार कर रही हैं लोगों के, जैसे मान लीजिए जिसके साथ दिक्कत परेशानी है, कुछ लोगों को मान लीजिए शौचालय नहीं मिला है, कुछ लोगों के नाम क्या कहते हैं जो आवास विकास की योजना आती है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास की योजना आती है कॉलोनी टाइप की जैसे आती है, आप लोगों को पता होगा, तो ये हर तरीके से मतलब हमको सुनने को मिल रहा है कि मदद कर रही है। मान लीजिए क्या कहते हैं ये जो सरकारी योजना आती है इसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी है, गांव में कुछ लोग जैसे होते हैं बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो इसके बारे में जानकारी है कि सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं तो कैसे आप तक पहुंची जाए? ये पहुंचेंगे तो एक शिक्षित, जैसे कि अभी हमने हमारे एक सज्जन मौजूद थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि काफी प्रत्याशी हैं लेकिन पढ़े लिखे प्रत्याशियों में मतलब बहुत कम लोग आते हैं जिस तरीके से अभी हमको सुनने को मिला, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही है, हमें प्रत्याशी जितने खड़े हैं ये सब बेकार हैं हमें समझ में। तो श्रीमती संजू रावत जी को इस बार आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार जिला पंचायत प्रतिनिधि बना देंगे। आप आएंगे ना तो हम आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपसे अपनी परेशानियां कह सकते हैं, इसलिए महिलाएं मेरे साथ बहुत मतलब अच्छे से जुड़ रही हैं काफी मात्रा में। जैसा कि अभी हम आपके क्षेत्र में आए और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जिन लोगों की आप जैसे लिस्ट तैयार कर रही हैं और बहुत पहले से आप तैयार करते चले आ रही हैं, जो लोग वंचित हैं जिनके पास पक्के मकान जैसे नहीं है, सरकार की जो योजनाएं आती हैं, लोगों का कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं होता कि आखिर हम कहां जाएं, किसके पास जाएं कि ये योजना का लाभ हमें मिले, कॉलोनी का लाभ हमें मिले, शौचालय का लाभ हमें मिले, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो पढ़े लिखे वर्ग से आ रहे हैं और जो पढ़े लिखे समाज से आ रहे हैं तो हम जानते हैं कि वो हमारी मदद लगातार करते चले आ रहे हैं और हम उन्हें प्रतिनिधि बनाना चाहेंगे जो हमारे सरकार द्वारा जो योजनाएं आती हैं उनका लाभ हम तक पहुंचा सकें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लाभ तो पहुंचते हैं, सबको मिलना है, पर हम अपनी कोशिश जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है जी। तो हम उनको तक पहुंचाएंगे जितनी मतलब विकास जितना हो सकेगा, ज्यादा से ज्यादा हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे।